चलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ मैं यूज ऑफ आर। इज और एम का यूज पहले बता चुका हूँ। अगर आर के साथ मैं कंपेयर करूँ तो सिर्फ जो डिफरेंस है वो सब्जेक्ट्स का है। प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आर का यूज करते हैं, बी की सेंस में, मीन्स कुछ होने की सेंस में, या फिर जब कोई काम कंटिन्यूटी में होता है उन दोनों ही सेंसेस में हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। अगर यू की मैं बात करूँ, दे की बात करूँ, इनके साथ आर का यूज करते हैं, या फिर जब सब्जेक्ट दो से ज्यादा होते हैं, मीन्स के राम और श्याम को अगर हम काउंट कर ले, दो या उससे ज्यादा अगर काम करने वाले हैं तो उनके साथ भी आप आर को यूज कर सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए दे वे खिलाड़ी हैं तो उसको आप कैसे लिखेंगे, दे आर प्लेयर्स। ओके, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो आप उसको लिख देंगे दे आर प्लेइंग। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की मैं बात करूं तो इज एम आर का यूज सबसे बेसिक यूज होता है। तो सबसे ईजी जो चीजें होती हैं इंग्लिश के अंदर वो इज एम आर से स्टार्ट होता है, बाकी चीजें सब उसके बाद में आती है। अब आपको मैं कुछ और सेंटेंस बताने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए। इससे पहले हमने जो सीखा उसके अंदर वो भी इंक्लूड होगा, और आज हमने जो सीखा है वो भी इंक्लूड होगा। अभी मैं कुछ सेंटेंस स्टूडेंट्स बोलेंगे और मैं उनके इंग्लिश आपको बताने वाला हूँ यूज करते हुए इज एम आर। चलो फर्स्ट सेंटेंस, हम विद्यार्थी हैं। तो हम के लिए हम लोग वी को यूज करते हैं, और वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर आर को यूज करेंगे, वी आर स्टूडेंट्स। तो इजीली आप इस सेंटेंस को बना पाए यहाँ पर यूजिंग इज एम आर। नेक्स्ट इज, वह लड़कियां गायक नहीं है। वह लड़कियां, दोज गर्ल्स आर नॉट सिंगर्स। अंगूर खट्टे हैं। ग्रेप्स आर, अब चूंकि ग्रेप्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर को यूज करेंगे, खट्टे की इंग्लिश होती है सोर। उसके अलावा कुछ इज और एम के सेंटेंस भी आपको बताने वाला हूं मैं, यहाँ पर पीछे दिए होंगे। यस, यह एक पंखा है। दिस इज अ फैन। अब दिस मींस के किसी एक पंखे की बात हो रही है, दैट इज व्हाई हम लोगों ने यहाँ पर इज को यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मेरी किताब है। दिस इज माई बुक। तो दिस यानी कि बुक, एक बुक की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया है इज को। स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ। अब स्वास्थ्य की बात हो रही है, हेल्थ ऑलवेज जो है वो सिंगुलर में काउंट होती है, दैट इज व्हाई हम लोगों ने यहाँ पर इसको यूज किया है। उसके अलावा, वह मकान मेरा है। के लिए आप दैट हाउस को यूज करेंगे, तो दैट हाउस यानी कि एक घर की बात हो रही है तो यहाँ पर इसको यूज करूंगा, दैट हाउस इज माइन। वह अंधी है। सी इज ब्लाइंड। सी अकेली है तो उसके लिए हम लोगों ने इसको यूज किया है। मैं बहुत उदास हूँ। आई के साथ आप एम को यूज करते हैं, आई एम वेरी। उदास के लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा अपसेट, आई एम वेरी अपसेट। मैं खिलाड़ी हूँ। आई एम प्लेयर। नेक्स्ट, मैं कमजोर नहीं हूँ। आई एम नॉट वीक। तो गाइस देखा आपने कैसे इज एम आर का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, आपको क्लासेस में भी काम आएगा, इंग्लिश स्पीकिंग में भी काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।